तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कि हम लोग वीएस कोड को अपने मोबाइल में कैसे चला सकते हैं। अब ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे दो वीडियो बना रखी है जनाब, जो बहुत ज़्यादा धमाल मचा रही हैं यूट्यूब पे और बहुत से लोगों का वीएस कोड मोबाइल में चल रहा है। पर मैंने जो पहली वीडियो में आपको बताया था कि आपको टर्मेक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है, देन उसमें कुछ कमांड लिखनी होती है और आपका यहाँ पर वीएस कोड मोबाइल में चल जाएगा, जिससे बहुत से लोगों का चल गया, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। मुझको भी खुशी हुई कि यार मैंने जेन्युइन चीज़ बनाई, वो लोगों को ये काम कर रही है। पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये हुई कि उनको इतना टेक्निकली टर्म नहीं मालूम था, वो इतना नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई और दूसरी वीडियो मैंने और सरल कर दिया। उसमें मैंने बताया कि आपको ना ही टर्मिक्स की जरूरत है, ना ही कोई कमांड लिखनी होगी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, एप्लीकेशन ओपन करोगे आपका वीएस कोड चल जाएगा। और वो वीडियो तो और ज़्यादा धमाल मचा दिए सबको, मतलब एक तरीके से वीएस कोड इंस्टॉल हो गया। पर बात ये रही कि कुछ लोगों का जो मोबाइल होता है यार, वो थोड़ा पुराना एंड्रॉयड सिस्टम था, पुराना था, इतना एडवांस नहीं था, तो उनके में शायद वो वीएस कोड वाली जो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बताई थी, वो सही से इंस्टॉल नहीं हो पा रही है, तो उनके में प्रॉब्लम है। अब मैं भी समझ सकता हूँ कि सबकी परिस्थिति एक समान नहीं होती, सबका अलग अलग सिस्टम होता है यार। ठीक है, आपके पास नहीं उतना अच्छा मोबाइल है, पर आपके में पक्का वीएस कोड चलेगा, इसीलिए मैंने तीसरी वीडियो ये बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो में गारंटी लेता हूँ कि आपको ना ही कोई ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई टर्मेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई कमांड लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपके पास एक गूगल होना चाहिए यार, इंटरनेट गूगल और क्रोम ब्राउज़र, कोई ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र चलेगा, उसमें एक छोटा सा URL सर्च करना है, आपका वीएस कोड चल जाएगा। कहोगे भाई क्या बता रहे हो, झूठ बोल रहे हो ना? नहीं यार, सच बता रहा हूँ। आपको बस कुछ नहीं करना है, अपना ब्राउज़र खोल के गूगल के अंदर कुछ URL टाइप करना है, आपका वीएस कोड ओपन चलाकर जब तक ना दिखा दूँ तब तक यकीन ना मानना। अगर आपका चल जाए तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक कर देना और कमेंट बता देना कि हाँ यार जेन्युइन वीडियो बनाई है फिर नहीं बनाई, जब आपका चल जाए। और अगर कोडिंग सीखनी हो तो इस चैनल को प्लीज़ यार सपोर्ट करना। मैं HTML का कोर्स, CSS का कोर्स, सी लैंग्वेज का कोर्स सब अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस आपको सीखना है, मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ, जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ, जब हो जाए तब बताइएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको फटाक से दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग वीएस कोड को बिना किसी ऐप के, बिना टर्मेक्स, बिना कमांड के मोबाइल में चला सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे तो क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो या फिर इसकी जगह पर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मेरे में अभी फायरफॉक्स भी पड़ा, तो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। फायरफॉक्स को खोल लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे गूगल सर्च इंजन सपोर्ट में है, तो आपको सिर्फ गूगल सर्च इंजन में लिखना क्या चीज़ है आपको वो ध्यान से देखना है। VS कोड CODE VS कोड .div ठीक, VS कोड .div आपको ये देख लेना है और बस इसी को लिखना है सेम टू सेम। ठीक, अब इसको इतना लिख दिया और बस आपको सर्च करना है इस जगह पे। सर्च करते ही आपके सामने एक थीम सी बन के आ गई है VS कोड की, और ये VS कोड आपका ओपन हो गया है। बहुत अचंभों की बात हो जाती है कि यार इतना प्रॉब्लम होता है वीएस कोड को इंस्टॉल करने में, और यहाँ पे वीएस कोड इंस्टॉल हो गया, वाह क्या बात है। अब आप इसको काफ़ी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना माउस जोड़ा हुआ है, आप एक माउस अलग से जोड़ सकते हो या फिर एक अपना एक्स्ट्रा कीबोर्ड को ही ले लो, 300 रुपये, 200-400 रुपये का आता है, उसको जोड़ सकते हो। और यहाँ पे किसी भी तरीके से आप अपने इसको 3 डॉट पे क्लिक करो, चाहे आप क्रोम पे हो या फिर यहाँ पे हो, डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लो। ठीक है, 10-15 सेकंड के अंदर डेस्कटॉप साइट लोड होकर आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए 3-4 सेकंड में आ गई, और अब आपको मोबाइल को अपना लैंडस्केप मोड में जिस तरीके आप वीडियो देखते हो उस तरीके घुमा लेना है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल को घुमाकर इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने इस मोबाइल को लैंडस्केप मोड में घुमा लिया है। अब आप देख सकते हो सेम वीएस कोड वाली फील आ रही है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वही सेम टू सेम मिल सकती हैं हम लोगों को। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग पे जाने के बाद में यहाँ पे कलर थीम वाले ऑप्शन पे जाते हैं, और ये सबसे पहले मैं करता हूँ। अगर वीएस कोड होता तो सबसे पहले यही सेटिंग्स होती हैं। आप अगर लाइट मोड पे रखना चाहते हो तो लाइट मोड कर सकते हो, जो कि कुछ लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, उनको यही मोड अच्छा लगता है। या फिर अगर आप लाइट मोड की जगह बाकी भी यहाँ पे मोड दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका क्विट मोड है, और यहाँ पे मोनोकाई वगैरह मिल जाता है, डार्क जो आपका आता है, डार्क प्लस डिफ़ॉल्ट डार्क होता है, और मोनोकाई है। बाकी आप देख सकते हो कि आपको किस तरीके आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा, आप अगर ये रेड वाला आपको अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को रेड और ब्लू कलर में भी अच्छा लगता है, तो ये फील आती है उनको बिल्कुल रेड कलर के थीम में, पर मुझे ये नहीं समझ में आता, मुझे बिल्कुल यहाँ पे डार्क थीम अच्छी लगती है। ठीक है, तो डार्क थीम सबको ही अच्छी लगती है, तो बेसिकली मैं डार्क थीम यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। ठीक है,
तो आपको माउस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे उंगलियों में हो सकता है छोटी छोटी चीज़ें हैं तो आपकी सही से ना हो पाए। चलिए मैंने डार्क थीम ओपन कर लिया है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इंस्टेंशन देखने को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो थ्री डॉट पे क्लिक किया, इंस्टेंशन वाले ऑप्शन पे गए और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे पाइथन यूज़ करनी है तो पाइथन सर्च करते हैं, तो PYTHON पाइथन सर्च किया। आप देखते हैं पाइथन आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो ये पाइथन की इंस्टेंशन आ गई है। चलिए इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। और ये पाइथन की इंस्टेंशन है, इसको इंस्टॉल पर क्लिक किया और ये इंस्टॉलिंग हो रही है। अब बता रहा पाइथन हैज़ लिमिटेड फंक्शन इन विजुअल स्टूडियो कोड फॉर वेब। अब ये वेब वर्जन में चल रहा है तो कह रहा है इसमें लिमिटेड फंक्शंस ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉल नहीं हुए पे क्लिक करते हैं और ये अभी कुछ ही क्षण में इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं आपको सारे यहाँ पे डाउट देखिए एक एक करके क्लियर कर दूँ, आपको कुछ ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बाद में समझ में आए। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो वेब वर्ज़न है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। ये वेब वर्ज़न है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ यहाँ पे कोडिंग नॉर्मली कर सकते हो, आपको वो फील नहीं आएगी जो आपको लैपटॉप वाले वीएस कोड के अंदर आती है, क्योंकि वो बिल्कुल रियल वर्ज़न होता है। ये वेब वर्ज़न है, इसको उन लोगों के लिए बनाया गया जिनके मान लीजिए लैपटॉप नहीं है और वो किसी फाइल को एडिट करना चाहते हैं, छोटा मोटा कोड करना चाहते हैं, उनके लिए सही है। पर अगर आपको प्रॉपर कोई वेबसाइट आप बना रहे हो बड़ी, या फिर कोई आप अच्छा सा कोई फंक्शन डिज़ाइन कर रहे हो, कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हो, पाइथन चलाना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अलग अलग वीडियो बना रखी हैं। जैसे कि अगर आप वेब डेवलपमेंट यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन होती है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इस मोबाइल को इस तरीके कर लेता हूँ। और ये HPC के नाम की एक एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और अगर आप पाइथन यूज़ करना चाहते हो तो पाइथन के लिए भी पाइथन IDE यहाँ पे लिखोगे तो मैंने पाइथन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि मोबाइल में पाइथन कैसे चलाएं, ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ये आपको पाइथन 3 नाम की जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लेना है, इसमें आप पाइथन चला सकते हो। अगर आपको सी लैंग्वेज चलानी है तो सी के लिए IDE कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने सी के लिए किया तो यहाँ पर सी के लिए आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए कोडिंग सी, ठीक है, इसको आप कर सकते हो। तो आपके लिए हर एक एप्लीकेशन मौजूद है अगर आप मोबाइल में कोडिंग करना चाहते हो। मैंने अल्टरनेटिव बहुत सारे बता रखे हैं, पर आप लोग इतना परेशान हो जाते हो यार कि कैसे करें, आपको सिर्फ VS Code चाहिए होता है। पर मैंने VS Code आपको यहाँ पे चला के दिखा दिया है, आप VS Code इस्तेमाल करिए, कोई वो ख़राब एप्लीकेशन नहीं है। पर होता क्या है ना कि जिन लोगों के मोबाइल में कभी कभी होता है कि मान लीजिए इंटरनेट कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है तो उनके में हो सकता है VS Code लैग करे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार फिर से उसी VS Code को ओपन कर लेता हूँ और कुछ चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे फोल्डर ओपन करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको फोल्डर डायरेक्ट ओपन ना हो, ठीक है। मैंने ओपन फोल्डर पर क्लिक किया तो बता रहा ओपनिंग लोकल फोल्डर इज अनसपोर्टेड। अब मैं आपको चाहता तो यहाँ पर वीडियो को ख़त्म कर सकता था, पर मैं आपको ये प्रॉब्लम क्लियर कर दूं। आप डायरेक्ट फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आपको ओपन रिमोट पे क्लिक करना है। ओपन रिमोट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपने गिटहब से साइन इन करना होगा, ठीक है। गिटहब यहाँ पे रिमोट सर्वर जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में आपका गिटहब अकाउंट मांगेगा और गिटहब अकाउंट से आपको वहाँ पर लॉग इन कर लेना होगा, उसके बाद से आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें इसमें अलग हैं जो उसमें नहीं है। और अगर आप किसी फाइल को मान लीजिए पूरा तो फोल्डर आप ओपन नहीं कर सकते हो, पर पर्टिकुलर किसी फाइल को तो आप एडिट कर ही सकते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फाइल को एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल वाले ऑप्शन पे गया, ओपन फोल्डर पे करेंगे, ओपन फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे ओपन फाइल पे जाने के बाद में यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, रियलमी 7 ऑप्शन खोल लिया मैंने और ये chatbot.html मैंने एक फाइल रखी हुई है, इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसका कोड देखिए आ चुका है आपके सामने, काफ़ी सही दिख रहा है देखने में। तो आप इसको इस तरीके से ऐसे एडिट कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एडिटिंग करनी है, कोई भी कोड सही करना है तो आप कर सकते हो। आप कहोगे लाइव सर्वर नाम की जो इंस्टेंशन होती है वो यहाँ पे होगी, तो मैं आपको बता दूँ लाइव सर्वर इसमें नहीं चलेगी क्योंकि ये वेब वर्जन है, इसमें लाइव सर्वर सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, सब चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। पर अगर आपको VS Code ही चलाना है तो मैंने जो 2 वीडियो पहले बना रखी उनको देखो जाकर, उनमें जो VS Code चल रहा है उसमें काफ़ी चीज़ें चल जाती हैं, लाइव सर्वर वगैरह चल जाएगी, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, फोल्डर ओपन हो जाएगा आपके फाइल मैनेजर से।
तो आप उस वीडियो को देख लोगे तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं है उसमें हैं, ठीक है। तो उन वीडियोज़ में जो वीएस कोड चल रहा है वो बिल्कुल सही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए जिनके पर मोबाइल बिल्कुल घटिया है फिर भी वो कोडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए वेब वर्जन बनाया गया था। मतलब जल्दी से आपको एडिट करके कहीं देना है किसी को फाइल, तब आप ये यूज़ कर सकते हो। बाकी सब चीज़ों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन है, वेब डेवलपमेंट SPCK और आपका पाइथन की आईडी मैंने दिखा दी, सी की दिखा दी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब ये वीडियो जनाब मैं पूरी मेहनत से बना रहा हूँ आपके लिए, कुछ नया रिसर्च करके लाता हूँ कि यार हाँ आपको कुछ नया जानने को मिले, और हमेशा आपकी मदद करने के लिए जनाब कोशिश करता हूँ। अगर आप भी आप एक लाइक नहीं करते हो यार तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, प्लीज़ मोटिवेट कर दिया करो एक लाइक करके। और अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर HTML कोर्स चल रहा है, अभी सी लैंग्वेज का भी कोर्स आएगा, CSS का भी आएगा, JavaScript का भी आएगा। तो कोर्स के साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देता हूँ, तो पूरी तरीके मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।